अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी एक जबरदस्त सी रेसिपी है चीज ऑमलेट। हम रमजान में किस तरह सहरी में बड़ी आसानी से बना सकते हैं, तो मेरे टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा ये जबरदस्त सी ऑमलेट। देखने वाले परेशान हो जाएंगे कि ये ऑमलेट है या पिज्जा है। आपके सामने है माशाल्लाह इसका रिजल्ट, कितने ही शानदार इसका कलर और कितना ही शानदार ऑमलेट हम किस तरह तैयार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चीज ऑमलेट बनाने के लिए चार अंडे मैंने बाउल में तोड़ लिए, तो इसको सबसे पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा बीट। अंडे बीट करने के बाद मेरे पास शिमला मिर्च थी, तकरीबन ये डेढ़ शिमला मिर्च है नॉर्मल साइज की, जो मैंने क्यूब्स में काट ली है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ और थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए छोड़ दूंगी। बस इतनी सी मैंने गार्निश के लिए छोड़ी है। टमाटर दो अदद जिनको मैंने इस तरह रफ चॉप कर लिया, तो इसको भी सारा डाल देती हूँ। पानी हमने नहीं डालना इसका। हरी मिर्च बारीक चॉप की, तकरीबन ये तीन अदद थी, ये भी डाल देते हैं। ग्रीन अनियन तकरीबन हाफ कटोरी, व्हाइट और ग्रीन पार्ट दोनों मैंने यूज किए, तो ये भी डाल देते हैं। हाफ टी स्पून नमक ये डाल देते हैं। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ये डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई ये डाल देती हूँ। सारे मसाला जार वगैरह डाल के तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। अंडे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, सारी चीजें यकजान हो जाती हैं, तो चलिए करते हैं इसको फ्राई। तो मैंने चूल्हे पे रख दिया है, तो फ्लेम को कर दिया है ऑन। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल हमने ज्यादा नहीं डालना, कम ही डालना है। तो थोड़ा सा पैन हमारा गर्म होता है, तो इस तरह फिला के आप ऑयल या घी जो भी यूज कर रहे हैं तो उसको फिला दें, ताकि पैन में सारा स्प्रेड हो जाए। तो जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं ट्रांसफर करती हूँ मिक्स एग्स जो हमने किए हुए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो अंडे जो मिक्सचर था हमारा, इसको कर देते हैं इस पे ट्रांसफर सारे का सारा, और अच्छी तरह से इसको फिला देते हैं। चारों तरफ एक जैसा आना चाहिए, बिल्कुल स्प्रेड हो जाना चाहिए। तो इस तरह हिलाते हुए मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी, और फौरन ही फौरन इसके ऊपर मैं इसकी लिड लगा दूंगी। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। ढाप के छोड़े हुए तकरीबन दम वाली फ्लेम पे इसको 2 मिनट हो गए हैं, तो इसी स्टेज पे हमने इसको टर्न करना है। तो बड़े ही आराम से मैं इसको टर्न करूंगी। प्लेट के अंदर हम इसको इस तरह करके बड़े ही आराम से निकाल लेंगे, टूटने ना पाए। बस आपने निकालने की जो है ये एहतियात करनी है कि ऑमलेट हमारा टूटने ना पाए, क्योंकि हमने इसको फिर से पैन में पलटा देना है। तो मैं इसको फिर से पैन में उल्टा करके तो फिर से दम पे रखती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। ऑमलेट को बड़ी एहतियात से मैंने पलट लिया है प्लेट में ऊंधा करने के बाद। तो चीज मेरे पास है, तो इसको मैं इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर देती हूँ। तो इस तरह बहुत ही शानदार सा ऑमलेट हमारे पास तैयार हो जाएगा। चीज को आप सारी तरफ अच्छी तरह से फैला दें। थोड़ी सी शिमला मिर्च जो हमने बचा के रखी थी गार्निश के लिए, तो ये भी इस तरह मैं फैला देती हूँ ऊपर थोड़ी थोड़ी सी। ग्रीन ऑनियन थोड़ा सा ये भी ऊपर गार्निश कर देते हैं। स्लाइस में कटे हुए टमाटर, कुछ मैंने आधा सा टमाटर इस तरह स्लाइस कर लिया था लंबे लंबे, तो ये भी कर लेते हैं। खाने वाले सोचते ही रह जाएंगे कि हमारे आगे पिज्जा आया है या ऑमलेट आया है। बिल्कुल लुक और टेस्ट इसकी पिज्जे के जैसी ही होगी इंशाल्लाह। कुछ ऑरिगेनो ये स्प्रिंकल में कर देती हूँ इसके ऊपर। चिली फ्लेक्स वो भी थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देते हैं। तो फिर से मैं 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको दम वाली आंच पे छोड़ देती हूँ, ताकि चीज हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और नीचे से कलर भी लाइट सा आ जाए दूसरी साइड से। 1 मिनट ढांपने के बाद देखे चीज हमारी मेल्ट हो गई है, तो बिल्कुल एक पिज्जे की लुक आ गई है। और टेस्ट में ये कितना जबरदस्त है ये तो तभी पता चलेगा जब आप इस तरीके से बना के सर्व करेंगे अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में
और खुद भी आप टेस्ट करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये ऑमलेट कितना जबरदस्त और स्पेशली रमजान के लिए ये डिश कितनी ही जबरदस्त है। इस तरह से हम सहरी में बना के बच्चों को एक अच्छा सा नाश्ता सहरी बना के दे सकते हैं। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी, आज के मेरे टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आए होंगे, तो आप एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।